मंगरूलपीर थाने में शांति समिति की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी यशवंत केड़गे और थानेदार सुनील हुड ने की। इस वक्त यशवंत केड़गे ने जानकारी दी कि मवेशी वध पर प्रतिबंध है। इस वक्त उन्होंने नागरिकों से शांतिपूर्ण तरीके से ईद मनाने की अपील की है। भारत में सभी जाति और धर्म के लोग रहते हैं। हर धर्म के नागरिकों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनके कार्यों से किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे। 10 तारीख रविवार को बकरी ईद के मौके पर मुस्लिम धर्म के लोग अपने आदेश के अनुसार जानवरों की कुर्बानी देते हैं। मौलाना अंसार अहमद खान ने कहा है कि जिस जानवर को कानून की इजाज़त हो उसकी कुर्बानी देनी चाहिए और सोशल मीडिया पर किसी भी पोस्ट पर कमेंट ना करे। ये राय मौलाना अंसार खान ने व्यक्त की थी। SDPO यशवंत केड़गे ने कहा कि आगामी बकरी ईद के अवसर पर राज्य में 2015 में मवेशी वध पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। किसी भी तरह का गलत काम नहीं करना चाहिए। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो हमें बताए या 112 पर कॉल करे। सभा को संबोधित करते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी यशवंत केड़गे ने लोगों से शांतिपूर्ण तरीके से ईद मनाने की अपील की। हायजिनिक मेंटेन करायचं किंवा तुमच्या मारायचं आणि पाणी पुरतं वेळोवेळी आला पाहिजे आणि लाईटच्या बाबतीत MHPC आहेत ते लाईट कुठले त्याला एकदम एमर्जन्सीशिवाय कुठली लाईट जाणार नाही तर काही अडचणी निर्माण होणार। आपल्याला सगळ्यांना माहीत आहे ते 2015 साली प्रिझर्वेशन ऑफ ॲनिमल ॲक्ट आहे आलेला आहे आपल्या राज्यात, जसं इतर राज्यात होतं नंतर 2015 आपल्या इथे झालं। त्या गोवंश किंवा गोवंशांचे जे त्यांचे गाई गो किंवा गोवंश यांची हत्या करायला आपल्याला प्रतिबंध आहे। तर आताचे जे काही वातावरण आपण बघतो हमारे विनोद भाऊ डेरे जैसे की गरम सर ने कहा है कि सर ने ये बता दिया जाए कि ये ईद उल अज़हा यानी बकरीद का उद्देश्य क्या है। असल में सबसे बड़ी बात यह है कि मुसलमानों के दो ही त्यौहार, एक त्यौहार है रमजान ईद और एक है ये बकरी जिसको हम बकरीद कहते हैं। रमजान ईद में तो शिरकुरमा चलता है और बकरीद में असल में हम ये कहते हैं कि वो पशु वो जानवर जिनकी हमारे भारत के भारत सरकार ने और भारत के कानून ने हमें इजाज़त दी उसको हम ज़िबा करते हैं। नामों से जाना जाता है, ईद उल अज़हा भी कहते हैं, बकरीद भी कहते हैं, ईद कुर्बान भी कहते हैं। ये भारत भूमि भारत देश हमारा ऐसा है जहाँ विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, विभिन्न त्यौहार मनाते हैं और एक दूसरे के त्यौहार में शामिल भी होते हैं। यही हमारी जो तो अनेकता में एकता यही हमारी देश की खूबसूरती है। बॉस ने मीटिंग बुलाई। क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो, बार बार उठो बैठो। जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर। कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com।